नूर तेरे का नूर है सब में, ज्योत तेरी की ज्योति है, नाम तेरे का सिमरन ईश्वर, सब लई मोक्ष मोती है। नूर तेरे का नूर है सब में, ज्योत तेरी की ज्योति है, नाम तेरे का सिमरन ईश्वर, सब लई मोक्ष मोती है। जय वाल्मीकि। परम ज्ञानी महान तपस्वी परम तत्व ज्ञाता सतगुरु ज्ञानना जी पावन वाणी उचारण करते हुए सानू सत उपदेश देंदे हन। तेरे अंदर ज्योत निरंजनी, कदे अपना आपा नाप तू, तेरे रोम रोम विच प्रभु वाल्मीकि, फिर किसदा करदा जाप तू। परम तत्व ज्ञाता सतगुरु ज्ञानना जी इस श्लोक राही साडे सब जीवां दे भरम भुलेखे दूर करदे हुए, मूर्ति पूजा और कर्म कांडां विच फसे हुए मानवां दे अज्ञानता रूपी हनेरे नूं नष्ट कर ज्ञान रूपी रोशनी दिंदे हुए समझाउंदे हन। हे मानव, जो पार ब्रह्म परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड दी रचना करन वाला है, जो पार ब्रह्म परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि नूं चला रहा है, जिसका दिता होया भोजन सब जीव खांदे हन, जो ईश्वर इस ब्रह्मांड दे कण कण विच वास कर रहा है, वाल्मीकि भगवान प्रभु जी ब्रह्मांड दी बुनियाद टिका के रम गए खुद प्रकृति अंदर, जहरा अपना नूर लगा के उस पार ब्रह्म परमात्मा आनिरंकार ज्ञान स्वरूप सत स्वरूप परमेश्वर भगवान वाल्मीकि जी दी पावन ज्योति तेरे अंदर भाव तेरे मन मंदिर विच भी वास करती है। परम ज्ञानी सतगुरु ज्ञानना जी सानू समझाते हैं, कली श्रद्धा इस बंदे विच अंधविश्वास बुलेखा बरदे। गुरु जी समझाते हैं, कई बार श्रद्धावान मानव उस पार ब्रह्म परमात्मा नू पाउण लई भरम विच फस के कर्म कांड करते हैं, तप दान तीरथ ते इशनान करते हैं, उस पार ब्रह्म परमात्मा दी प्राप्ति लई उसनू बाहर जंगल पर्वत अते कई होर अनेका तीर्थ स्थानां ते जाके तीरथ करदे हन। और जो मानव इस तरह अपना कीमती समय नष्ट कर लैंदा है, उसनू ईश्वर दी प्राप्ति नहीं हुंदी। उस मानव नू दुख और चिंतावां दी अग्नि निरंतर जलाउंदी रहिंदी है, उस मानव दी आत्मा कदे भी शांत नहीं हुंदी। गुर परमेश्वर मिलिया बाजों असली मंजिल नजर ना आवे, रस्ता पुल्ले राही वांगर जीव आत्मा पई कुरलावे। सतगुरु जी समझाते हैं, जिस तरह कोई मानव अपनी मंजिल दे रस्ते तो पटक के बहुत दुखी हुंदा है, उस मानव दी आत्मा कदे शांत नहीं हुंदी। पर जिस समय उस मानव नू कोई जन उसकी मंजिल का रस्ता दस देता है, उस समय उस मानव की आत्मा शांत हो जाती है। गुरु जी समझाते हैं, ठीक उस तरह ही गुर परमेश्वर मिलिया बाजों असली मंजिल नजर न आवे, भाव बिना सच्चे सतगुर दे उस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, भाव उसकी ज्योत मानव दे हिरदे अंदरों प्रकट नहीं हुंदी। सतगुरु सच्चे पातशाह जिस प्राणी ते होण दयाल, शब्द गुरु अते जुगती दस के अंदरों ईश्वर देण दिखाल। इस पावन श्लोक नू उचारण करदे हुए सतगुरु जी समझाउंदे हन, जिस मानव ते जिस पुरुष ते सच्चा सतगुरु दयाल हुंदा है, मानव नू सच्चा सतगुरु ही शब्द रूपी ज्ञान और जुगती मार्ग दस के अंदरों ही ईश्वर दी ज्योत भाव उस पार ब्रह्म परमात्मा दे दर्शन करवा देंदा है। गुर दी बख्शिश बाजों
हिरदे विच प्रकाश नहीं हुंदा, भगती बाजो आद पुरख दा दिल दे अंदर वास नहीं हुंदा। भाव बिना सच्चे सतगुर दे, भाव बिना सच्चे सतगुर दी बख्शिश तो पार ब्रह्म परमात्मा दी ज्योति मानव दे हिरदे अंदर प्रकट नहीं हुंदी। जो सच्ची श्रद्धा और विश्वास नाल उस पार ब्रह्म परमात्मा दा सिमरन नहीं करदा, उन्नी देर ओ सत स्वरूप परमात्मा ज्ञान स्वरूप परमात्मा मानव दे हिरदे अंदर प्रकट नहीं हुंदा। जुगती दे संग भक्ति कीत्यां, जुगती दे संग भक्ति कीत्यां सतगुरु जी दे हुक्म अनुसार गुरदी बख्शिश प्रगट हो जाए आद पुरख ओ तारनहार। भाव जो मानव सच्चे सतगुर दे दित्ते हुए ज्ञान दे मार्ग ते चल गुरु जी दे हुक्म अनुसार श्रद्धा और विश्वास नाल प्रभु सिमरन करता है, उस समय उस मानव दे हिरदे अंदर उपार ब्रह्म परमात्मा दी ज्योति प्रकट हो जाती है, जिस दे प्रकट होण नाल मानव दे सब दुख कष्ट मिट जाते हैं और मानव जन्म मरण दे चक्कर तो मुक्त हो जाता है। इस पावन वाणी विचार राही सतगुरु ज्ञान नाथ जी सानू समझाते हैं उस पार ब्रह्म परमात्मा की ज्योति हर मानव दे हिरदे अंदर वास करती है। सच्चे सतगुर की कृपा दृष्टि नाल मानव उस ज्योति नू हिरदे अंदर प्रकट कर सकता है। गुरु जी समझाते हैं मानव व्यर्थ दे कर्म कांडा विच फस के और इधर उधर पटक के अपना जीवन व्यर्थ पा देंदा है। जो मानव सच्चे सतगुर दी शरण जाके ज्ञान दी प्राप्ति कर लेंदा है और गुरु दे दसे हुए मार्ग अनुसार स्वास स्वास सिमरन करता है, अभ्यास करता है और सत्कर्म करता होया अपना जीवन व्यतीत करता है, उस मानव दे हिरदे अंदरों ए पावन जोत प्रकट हुंदी है, जिस नाल मानव जन्म मरण दे चक्कर तो मुक्त हो जाता है। जय वाल्मीकि।